नमस्कार प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अक्रमा जादौन और खबर जौनपुर से है। मिशन शक्ति अभियान के तहत एक दिन की थानेदार बनी दसवीं की छात्रा अंशिका प्रजापति, सुनी लोगों की फरियाद, कहा जीवन में डरना नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं को सशक्त करने की मुहिम जारी है। इस कड़ी में जौनपुर में विश्व बाल दिवस पर कल दिनांक 20/11/2020 को दसवीं की छात्रा अंशिका को महिला थाने का प्रभारी बनाया गया। अंशिका द्वारा पुलिस की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी प्राप्त की गई तथा महिला पुलिस कर्मियों के अवकाश व अन्य कार्य संपादित किया। अंशिका ने महिला थाने पर आए फरियादियों की शिकायत को सरलतापूर्वक सुनते हुए उनके निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देश भी दिए। अंशिका ने कहा कि लड़कियां बच्चियां समस्या को छुपाएं नहीं बल्कि तुरंत थाने पर शिकायत जरूर दर्ज कराएं तथा सरकार व उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाई जा रही सेवाओं जैसे डायल 112, विमेन पावर लाइन 1090, ट्विटर सेवा, यूपी कॉप ऐप की मदद से शिकायत करें। लड़कियों को हमेशा अपराध का जवाब देना चाहिए, महिला हिंसा के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। अक्सर लोग व लड़कियां अपने साथ हुए अपराध को छिपा लेती हैं, इससे अपराधी का मनोबल बढ़ता है। अंशिका ने बताया कि वो आगे चलकर प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहती हैं तथा मौका मिला तो पुलिस विभाग में आकर जनता की सेवा करना चाहती हैं। उक्त अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक नगर जौनपुर डॉक्टर संजय कुमार, प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाइन जौनपुर श्री रजत पाल राव, महिला थाना प्रभारी श्रीमती तारावती देवी, अन्य पुलिसकर्मी व सम्मानित लोग मौजूद रहे। प्राइम न्यूज 24 के लिए जौनपुर से ब्यूरो की रिपोर्ट।